अरे भाई अखिलेश जी और राहुल जी, बहुत हल्के हल्के काम कर रहे हो तुम। बहुत हल्के हल्के प्याज छील रहे हो। थोड़ी तेजी लाओ हाथों में, जल्दी जल्दी प्याज छीलो, जभी तो अपना छीलेंगे प्याज सारी, वरना तो आधी भी नहीं छिल पाएगी और बहुत टाइम हो जाएगा फिर। अरे भाई मोदी जी, तुम ध्यान से देखो इस परात में, हमने पूरी परात छील कर रख दी, यानी कि पूरी परात भर दी हमने प्याज छील छील कर। ये पूरी परात में तो प्याज है छिले हुई रखी है, और तुमसे कड़ंगे की तो कटी नहीं है जब भी हमसे कह रहे हो। अरे पहले तुम कड़ंगे वाली तो काटो, यानी कि तुम पहले कतरे उसके करो, तभी तो हम तुम्हें देंगे प्याज छिले हुए वाली। अगर तुम जे नहीं काटोगे तो फिर कैसे ले लोगे तुम हमसे? अरे तुम तो फिर काटोगे नहीं, ऐसे हमें भी कटवाना पड़ेगी फिर बाद में। भाई मोदी जी, राहुल जी ठीक तो कह रहे हैं, अरे 19-20 का फर्क तो चल जाता है, मगर आप तो बहुत हल्के हल्के काट रहे हो। अरे ऐसे तो बहुत देर लगेगी। अरे तुम इतनी देर मन लगाया करो, तेज तेज हाथ चलाया करो तुम भी, जभी तो तेज तेज कटेगी, वरना कैसे कटेगी। अरे भाई अखिलेश जी और राहुल जी, तुम दोनों तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो, कोई बात कहो नहीं और तुम नाराज हो जाते हो। अरे मैं इसलिए कह रहा था कि अभी टमाटर काटना है और हरी मिर्च बीच में से फाड़ना है, और लालू जी के भी आने का टाइम है। अगर लालू जी आ गए और अपना काम हल्के हल्के करते हुए दिख गए उन्हें, तो बहुत नाराज होंगे वो अपने पर। और टमाटर भी जल्दी से जल्द काटना है अपनों को, और हरी मिर्च, एक जना हरी मिर्च काटना और मैं टमाटर काट दूंगा, ऐसा कर लेंगे अपना दोनों, जभी तो कह रहा हूँ मैं। अरे भाई मोदी जी, नाराज होने की बात थोड़े नहीं है, हमने इसलिए आपसे कहा कि आप भी जल्दी जल्दी प्याज काटेंगे, और तभी तीनों अपना साथ में टमाटर और हरी मिर्च काट लेंगे। और लालू जी का नाम लिया, वो देखो लालू जी हाजिर हो गए, देखो आ भी गए लालू जी। अरे भाई लालू जी आप आ गए, अरे अच्छा किया कि आप आ गए, क्योंकि आपका ही नाम लिया था हमने। अब ये बताओ कि टमाटर कैसे कटेंगे, गोल वाले काटे या फिर बीच में से काटे, आप हमें बता दो, अभी कटवा देंगे चाहे राहुल से हम कटवा दें कहकर। अरे भाई मोदी जी, हाँ मैं आ तो गया, मगर ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे कि अभी तक टमाटर भी नहीं कटे तुमसे? अरे तो फिर भंडारे की तैयारी इतनी लेट करोगे तुम? अरे मेरे खास मेहमान आने वाले, और बहुत स्पेशल करके तुम्हें बनाना है आपकी खाना मेरा। तो भी मेहमान खाए खाना आपका और आपका ही नाम ले, मुझसे पूछे कि किसने बनाया, तभी तो मैं आपका नाम बताऊंगा, जभी तो तुम उसके घर जाके भंडारे में बनाओगे, नहीं तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? अरे बढ़िया खाना बनाओगे जभी तो बनेगी, जल्दी जल्दी काम करो अब। अरे भाई लालू जी आप परेशान मत होइए, कतई भी परेशान मत होइए, इतना बेहतरीन खाना बनाऊंगा कि खाने वाला भी आपसे पूछे कि किन्ने बनाया खाना, बहुत लाजवाब और बहुत टेस्टी बनाऊंगा। मगर आप ये बता दो मुझे कि टमाटर कटेंगे कैसे? अरे भाई मोदी जी, आप टमाटर का छोड़ो, जैसी चाहे आपका मन वैसी काट देना, मगर ये राहुल जी और अखिलेश जी को क्या तुम अपने साथ में लेके आयो? ये प्याज छील रहे हैं तुम्हारे बराबर में बैठ के, ये पहले क्या काम करते थे? इन्हें खाना बनाना तो आता है बढ़िया तरीके से। अरे भाई लालू जी, हम मोदी जी के साथ में आए, खाना बनाना सीखेंगे, हम भंडारों का खाना बनाया करेंगे, जैसे आप मोदी जी से बनवाते हो वैसी कल को हमारा भी नाम होगा, कोई हमसे भी बनवाए, और कभी ना कभी आप भी हमसे एक बार बनवा के देखना भंडारे का खाना। अरे मोदी जी को ही साथ में चाहे हम ले आएंगे एक बार, तुम बनवा कर देखना, बहुत लाजवाब बहुत टेस्टी बनाएंगे, जैसे आज बना के जाएंगे उससे भी बहुत बेहतर बनाएंगे एक दिन हम दोनों। अरे भाई राहुल, ये बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम दोनों अभी से काम सीखने लगे हो खाना बनाने का। अरे तुम भंडारे का ऑर्डर तुम्हें भी दूंगा मैं, जब तुम अच्छा बनाओगे तुम्हारा भी नाम चलेगा तो तुम्हें भी ऑर्डर दूंगा। अगर अपने गुरु के पास बहुत मेहनत और बहुत लगन से काम करना चाहिए, आप भी बहुत लगन से काम करना, तभी तो मोदी जी की तरह खाना बनाना सीखोगे आप, तभी तो आपको लोग भंडारों में बुलाएंगे, मोदी जी की तरह टेस्ट लेके आना तुम अपने हाथों में। अरे भाई मोदी जी ठीक है, अब जल्दी जल्दी मेहनत से काम करो आप भी, और जल्दी जल्दी भंडारे का खाना तैयार करो, शाम होने में अभी 3 घंटे रह गए, बाकी 3 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना, टेस्ट जरूर लेके आना अब। अरे भाई अखिलेश, वो देखो ढलैया में रखी हरी मिर्च, जरा वो उठाकर लेके आओ, लाओ बीच में से मैं फाड़ता हूँ, जब लो तुम दोनों टमाटर काटो, और कतई तैयार हो गया, थोड़ा सा ही रह गया है काम, बस तभी चलते हैं अपना घर पर। अरे भाई मोदी जी, जरा आज मुझे थोड़े से पैसे दे देना खर्चे के लिए, आज मेरे पास कम हो गए, पता नहीं कहाँ पर चले गए पैसे, लगता है गिर गए कहीं पर, थोड़े से ज्यादा नहीं 100 रुपए दे देना मुझे खर्चे के लिए आज तुम। अरे भाई अखिलेश जी, 100 का नोट लोगे आप? 100 का नोट मैं ठीक है शाम को दे दूंगा, मगर अब जो थोड़ी सी जो हरी मिर्च रह गई है इसे काट तो दो, बस अभी चलते हैं अपना शाम को, तभी मैं तुम्हें 100 का दे दूंगा। अरे भाई मोदी जी, पैसों की तो मुझे भी सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे भी खर्चे के लिए पैसे थोड़े से चाहिए। अरे 100 रुपए तुम अखिलेश जी को दोगे तो 100 का नोट मुझे भी दे देना, ज्यादा मत देना, 100 का नोट दे देना, और जो हरी मिर्च तो कट चुकी, वो टमाटर भी तो लाओ अब। अरे भाई अखिलेश जी और राहुल जी, तुम दोनों को 100-100 का नोट चाहिए? अरे मैं शाम को लालू जी से लेकर तुम्हें दे दूंगा, मगर आप थोड़ा सा मन लगाकर काम कर लो, ठीक है? मैं लालू जी से आपके पैसों के लिए बात कर लूंगा, आप परेशान मत होना। अरे भाई मोदी जी, तुम तीनों क्या चुप्पे चुप्पे बातें कर रहे हो, जरा हमें भी कुछ बताओगे? मगर तुमने खाना बहुत स्पेशल
स्पेशल, बहुत स्पेशल बनाया था आज भंडारे में। सारे मेहमानों को मजा आ गया, सारे मेहमान उंगली चाटते रह गए और आपका इनाम ले रहे थे। अरे भाई लालू जी, चुप्पे चुप्पे बात थोड़ी नहीं कर रहे। अरे इन दोनों को पैसों की जरूरत थी, खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने कहा लालू जी से लेकर दे दूंगा मैं। लालू जी जब मुझे देंगे तो 100-100 रुपए तुम्हें दे दूंगा मैं। भाई मोदी जी, इतनी छोटी बात, इन दोनों को पैसों की जरूरत है। अरे मैं इन्हें खुद अपने पास से इनाम देने वाला था, क्योंकि बहुत लगन से आपके पास ये काम कर रहे हैं। लो 500-500 रुपए का इनाम तुम दोनों रखो, और मोदी जी तुम 1000 रुपए का इनाम रखो। योगी मोदी जी, आज तुमने भंडारे में तो मजा ही दिला दिया, क्योंकि हर आदमी मेरी और तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था, क्योंकि भंडारे का खाना ही इतना लजीज बना था, बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी था, इसीलिए मैं आपको इनाम में खुशी में दे रहा हूँ मैं। अरे भाई अखिलेश जी और राहुल जी, तुम्हें पता है लालू जी अपनों को इनाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपनों ने बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम किया, इसीलिए इनाम दे रहे हैं। अरे तुम ईमानदारी से ऐसी काम करते रहे ना, और तुम्हें भी बहुत ऊंचा नाम मिलेगा एक दिन। लालू जी तो बहुत अच्छी आदत के, देख रहे हो, अपनों को खुश होके खुद इनाम दे दिया उन्होंने। और भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।